hello friends welcome back to our channel learn with nishman bache in last video we did chapter 17th and the sections we did were section 378 to 382 right and today we are again continuing that chapter 17th of offenses against property and we are going to discuss sections 383 to 389 इट दिस ग्रुप ऑफ सेक्शन बिलोंग्स टू एक्सटोर्शन ओके ऑफेंसेज ऑफ एक्सटोर्शन राइट बच्चे ये भी प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड होता है एक्सटॉर्शन तो आपका सेक्शन द वेरी फर्स्ट थ्री एटी थ्री गिवस आज द डेफिनेशन ऑफ एक्सटोर्शन ओके एक्सटॉर्शन क्या होता है ध्यान से समझना बच्चे इसके इनग्रीडियंट्स क्या होते हैं

dishonest inducement. You are inducing the other person dishonestly and third is the the main ingredient is there is delivery of any property by any person to the other one. So, delivery of property. ओके okay, बच्चे डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है यहाँ पर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है लाइक like किसी की ज्वेलरी एंड समथिंग और एनी डॉक्यूमेंट ओके डॉक्यूमेंट साइंड या सील हो विच में कन्वर्ट इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेटर ऑन समझ में आया बच्चे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता है थेफ्ट में क्या था बच्चे प्रॉपर्टी जो है दूसरे बंदे से विदाउट कंसेंट ली जाती है देयर इज नो कंसेंट राइट बट इन एक्सटोर्शन में यहाँ पर कंसेंट है राइट यहाँ पर ड्यू टू फियर ऑफ इंजरी या आप इस डर से कंसेंट करके आप अपनी कोई भी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी या कोई भी डॉक्यूमेंट डिलीवर कर देते हो दूसरे पर्सन को सो हेयर प्रॉपर्टी इज डिलीवर एंड दैट डिलीवरी इज अंडर फियर विच इज़ इंटेंशनली राइट यू नो दैट यू आर डिलीवरिंग समथिंग टू द अदर पर्सन इन थेफ्ट यू हैव नो नॉलेज दैट योर प्रॉपर्टी इज़ बींग

सो इट डजेंट मटीरियल वेदर जो वो पब्लिश करने वाला है वो बात सच है कि नहीं बट उसने बी को डरा दिया है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट ये पब्लिश कर दूंगा जिससे तुम्हारी सोसाइटी में इमेज डाउन हो जाएगी सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सटॉर्ट राइट एक्सटॉर्ट की है वो बी से कोई प्रॉपर्टी की मांग करता है और बी उस डर से ताकि वो ना करे वो प्रॉपर्टी दे देता है दैट इज एक्सटॉर्शन ओके बच्चे नाउ अब आप एक एग्जांपल ध्यान से समझिएगा पर्सन है एंटर्स enters into अ ट्रेन कंपार्टमेंट एंड पीपल स्टार्टेड गिविंग हिम their belongings ओके ट्रेन में चढ़ता है और लोग उसे देखकर कर अपनी अपनी बिलोंगिंग्स देते हैं सो हेयर इज इट एक्सटोर्शन और नॉट इफ समी आस्क यू व्हाट इज द आंसर सो हेयर इट्स नॉट एन एक्सटोर्शन ओके बच्चे एज ही डिडेंट कोज्ड द फीयर ऑफ इंजरी ऑल उसने कोई इंजरी नहीं दी है ना उसने किसी को डराया है right and he didn't induce them to deliver that's why that property or valuable security they giving that's not an extortion okay so here that mens rea intentionally in section this 383 has to be examined at two level with respect to the fear of injury that is whether the accused had caused the fear of injury intentionally राइट right? ये भी देखना है हमें कि उसने जो वो डराया डर है वो इंटेंशनली डराया है कि नहीं क्योंकि देखिए ए की इंटेंशन ना हो डराने की बट बी डर रहा है दैट्स नॉट हिज फॉल्ट सो वी वी हैव टू सी वेदर ए इज कॉजिंग दैट फियर ऑफ इंजरी इंटेंशनली और नॉट एंड द अदर पर्सन द सेकेंड वेयर वी हैव टू सी दिस मेन्स रिया इज वैदर देयर वॉज अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू इंड्यूज द विक्टिम टू डिलीवर दैट प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डराना तो है ही क्या उसके मन में ये भी है कि उस डर से भी उसको वो चीज जिसकी वो मांग कर रहा है वो दे देगा ये भी हमें देखना है ओके सो इफ नो डिलीवरी इज मेड अगर कोई डिलीवरी नहीं होती है बच्चे जस्ट वो डराता रहता है बी स्टिल डजेंट गिव एनी थिंग इट वुड नॉट अमाउंट टू एक्सटोर्शन बट इट वुड बी अटैम्प्ट टू एक्सटोर्ट ओके अटैम्प्ट टू एक्सटोर्ट ओके सो दिस इज एक्सटोरशन यू हैव अदर सेक्शंस इन दिस लाइक 384 गिव्स द पनिशमेंट फॉर एक्सटोर्शन बच्चे रीड द ऑल दी सेक्शंस रिलेटेड टू दिस 385 एटी फाइव पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटोर्शन एक्सटोर्शन आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो राइट right? और जब आप फियर देते हो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि बच्चे उस फियर से क्या नेक्स्ट जो पर्सन उसकी डेथ तो नहीं हो गई या उसको ग्रीवियस हर्ट देने की कोशिश तो नहीं की गई है राइट right? सो so, हर सेक्शन uh, आपका अलग अलग सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहा है रीड सेक्शन 383 एटी थ्री टू थ्री ब्रीफली इफ यू गेट एनी डाउट जस्ट कमेंट बिलो आई डिस्कस थेफ्ट और एक्सटोर्ट के बीच में आपको अच्छे से डिफरेंस पता लग चुका है बच्चे राइट हियर थेफ्ट में क्या होता है प्रॉपर्टी इज टेकन राइट एंड इन एक्सटोर्शन प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड ये याद रखने की चीज़ है बच्चे सेकेंडली देयर इज कंसेंट इज एबसेंट राइट नो कंसेंट एंड हेयर कंसेंट होती है राइट right? आप विद कंसेंट ले रहे हैं उसकी ओके okay? यहाँ पर फीयर ऑफ इंजरी इज नॉट अवेलेबल हेयर इट्स द मेन इन्ग्रीडियंट फियर ऑफ इंजरी होनी चाहिए समझ में आए बच्चे डिफरेंसिस इट विल बी हेल्थ इसकी डेफिनेशन किस में दी गई है थ्री सेवेंटी एट में एक्सटोर्शन थ्री एटी थ्री तो लीजिए मैंने आपको एक डिफरेंस भी बता दिया है अगर पेपर में डिफरेंस के तौर पर आ जाए गिव अ टेबुलर फॉर्म डिस्कस वेल गिव एग्जाम्पल्स दैट मैटर्स द मोस्ट ओके थैंक यू हैव अ गुड डे